अब हम बात कर रहे हैं टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के बारे में, और ये आपके लिए हमने मैसेज ऑफ द मंथ यहाँ पर लिखा है कि फेस्टिवल्स का समय है और बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं आप इस, और हर एक इंतज़ाम आपको ही करना है इन त्योहारों से संबंधित अपने परिवार में। तो इसके बारे में बात करेंगे और साथ में बात करेंगे आपके लिए आपके हेल्थ, एजुकेशन, करियर, फाइनेंस, लव, मैरिज, फ्रेंडशिप, फैमिली, ट्रैवल एंड अंत में जो है मैसेज ऑफ द मंथ एंड अफर्मेशन ऑफ द मंथ पे बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले यही है कि आज के हमारे स्पॉन्सर हैं artscrafted.com, जो कि एक आर्ट जो कि हैंडमेड हैंड पेंटेड ज्वेलरी की वेबसाइट है। इनकी वेबसाइट आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको बहुत सारे डिस्काउंट्स मिलेंगे। और शुरू करते हैं आपके लिए आपके हेल्थ के सेक्शन से। देखो भाई वृषभ राशि वालों, ये है कि आप खाने पीने के शौकीन तो हैं ही हैं, लेकिन इस बार जो है इस बार दीपावली के टाइम पर बहुत ज़्यादा जो है ऐसी मिठाइयाँ ना खा लें क्योंकि शायद ठीक ना हो, और बिल्कुल भी जो है ऐसी ऐसी चीज़ों से दूर रहें जो आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती हैं, और बाकी चीज़ों से भी थोड़ा सा थोड़ी थोड़ी दूरी बना के रखिए। विशेष तौर पर जो गलत खान पान है वही आपको नुकसान पहुंचा सकता है, बाकी जो है सब कुछ ठीक है, आपका स्ट्रेस लेवल भी मैनेज्ड है, सब कुछ बढ़िया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर आपके लिए आपके एजुकेशन की, पढ़ाई लिखाई में क्या हो रहा है। तो पढ़ाई लिखाई का माहौल अच्छे तरीके से बना हुआ है और आपको यहाँ पर आगे बढ़ने का पूरा चांसेस बिल्कुल यहाँ पर मिलेंगे। आपका हर काम जो भी पढ़ाई लिखाई संबंधित है वो टाइम पर पूरा अवश्य होगा। नेक्स्ट है करियर, कार्यस्थल पर आप थोड़े से वर्कोहॉलिक हो जाएंगे, ज़्यादा काम करने का प्रयास करेंगे क्योंकि आपको लगता है इस महीना जो वर्किंग डेज हैं वो काफ़ी कम हैं, तो बहुत ही कम समय में ज़्यादा अचीव करना है बिजनेस में या अपने कार्यस्थल पर, तो उस हिसाब से आप अपनी प्लानिंग करेंगे। बट ऐसा नहीं हो कि बहुत ज़्यादा टाइम आप ऑफिस में बिताएं और उसकी वजह से घर या कुछ और कुछ सफ़र करें, ठीक है, पूरा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास में आपके लिए फाइनेंस, रुपए पैसे की स्थिति शानदार बनी रहेगी और यहाँ पर कई प्रकार के आपको आशीर्वाद मिलेंगे, माता लक्ष्मी के, माता सरस्वती के आपको यहाँ पर आशीर्वाद मिलेंगे और कई प्रकार से आपके पास में धन का आगमन बना रहेगा। बढ़िया तरीके से आप खुश होंगे अपने फाइनेंसिस की स्थिति देख करके। नेक्स्ट है हमारे पास में लव, प्यार मोहब्बत के मामले में आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सप्रेस नहीं करते, लेकिन इस बार जो है बिल्कुल जिनके साथ में आप समय बिताना चाहते हैं वो भी आपको समय अवश्य देंगे आपके लिए। नेक्स्ट है हमारे पास में आपकी मैरिड लाइफ जो है वो बढ़िया तरीके से चलेगी, सभी बच्चे, सभी परिवार और सभी कुछ जो है वो एक तरीके से शानदार तरीके से चलेगा, लेकिन हो सकता है घर में या परिवार में शादीशुदा जिंदगी में थोड़ा सा ध्यान आपको बच्चों की पढ़ाई के ऊपर देना पड़े, ठीक है, ये एक चीज़ एक लगती है, ये एक विषय एक वहाँ पर लगता है। नेक्स्ट है फ्रेंडशिप, तो दीपावली के टाइम पर बिल्कुल हंसी खुशी का माहौल है और आप फ्रेंड्स के अपने करीब रहेंगे और फ्रेंड्स भी जो है आपको कोई सरप्राइज भी दे सकते हैं, कोई प्लेजेंट सरप्राइज भी आपको मिल सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास में आपके लिए आपकी फैमिली, परिवार जो है वो बिल्कुल एक तरीके से शानदार माहौल बना हुआ है परिवार में और कोई यहाँ पर दिक्कत लग नहीं रही है, आपको सहयोग, अच्छा सहयोग मिलेगा, लेकिन जैसा मुझे लगता है वृषभ राशि वालों का सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, लेकिन जहाँ पर भी वो जन्म लेते हैं वहाँ उनका सपोर्ट सिस्टम ठीक ठाक होता है, लेकिन जैसे जैसे वो दूर जाते हैं उससे वो सपोर्ट सिस्टम डिटेरियोरेट होता है। हालांकि टॉरस राशि वालों से 10 राशि वालों की तो बनी जाती है, केवल जो है 2 राशियां आपके खिलाफ रहती हैं, ये धनु और आपकी जो है जेमिनी मिथुन राशि, 2 राशियों के अलावा बाकी हर एक कोई आपका साथ देने के लिए तैयार रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास में ट्रैवल, यात्राओं के विषय में क्या होने जा रहा है। तो यात्राएं जो है वो काफ़ी सारी यात्राएं हैं इस बार और कुछ कार्य से संबंधित हो सकती हैं, कुछ जो है और कुछ वजहों से भी यात्राएं आपकी हो सकती हैं, हो सकता है अपने जन्म स्थान की तरफ भी एक चक्कर आपका भी लगे। अब हम बात करते हैं आपका यहाँ पर मैसेज ऑफ द मंथ के बारे में। फेस्टिवल्स का समय है, आप बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं आप, और हर इंतजाम आपको ही करना है। तो यहाँ पर ये मान के चल लीजिए कि अगर आप कोई बिजनेस ओन करते हैं तो बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जिसमें आपको अपने स्टाफ को जल्दी छुट्टी देनी पड़ेगी या उनको बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा और हर एक इंतजाम आपको ही करना है, काफ़ी हद तक इसमें आप बिजी रहने वाले हैं अक्टूबर के महीने। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास में अफर्मेशन फॉर दी मंथ, अफर्मेशन फॉर दी मंथ में ये है आपके लिए कि हे मेरे प्रभु,
मैं सभी लोगों को खुश रखने का प्रयास करूंगा, सभी को वक्त भी दूंगा और सभी को जो है हर प्रकार की सहूलियत मैं उनको दूंगा। आप मुझे भी जो है जितना मैं दूसरों के लिए करूंगा उतना ही आप मेरे लिए भी कीजिए और मुझको भी खुश रहने का मौका दीजिए। थैंक यू वेरी मच इंडीड। हमारा चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।